राजपुर से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग में युवाओं में दिखा उत्साह। सुबह से लग रही वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लंबी लाइन, टोकन संख्या बढ़ाने की मांग पकड़ रही जोर। विगत दो दिन से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग चल रही, जिसमें टोकन के माध्यम से युवाओं को टीका लगाया जा रहा, लेकिन देखने में आ रहा है कि सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लाइन लग जाती है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ 18 साल के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। लेकिन 200 डोज के स्लॉट के 1 घंटे की बुकिंग के टोकन बढ़ जाते हैं, जिससे 200 के बाद के युवा नाराज होकर घर चले जाते हैं। राजपुर तहसीलदार महेश सोलंकी ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय में 18 से 44 साल के 200 लोगों को टोकन बट रहे हैं। 45 प्लस में 100 स्लॉट होते हैं। वैक्सीनेशन के लिए 18 प्लस के युवाओं में अच्छा खासा उत्साह है, जिससे स्लॉट कम पड़ रहे हैं। वैक्सीन के लिए टोकन बढ़ाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, जिसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बात चल रही है, जिसमें स्लॉट टोकन बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ और आसपास के लोगों में जल्द वैक्सीन लग पाए। आज वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। राजपुर में शासकीय महाविद्यालय में 18 से 44 आयु वर्ग के 200 लोगों के लिए वैक्सीनेशन का स्लॉट प्राप्त हुआ है, जिसमें आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आज सीमो साहब और पुलिस की टीम के साथ यहाँ व्यवस्थाएँ बनाने का प्रयास किया है। और वैक्सीनेशन को लेकर राजपुर के और आसपास की जनता में काफ़ी उत्साह है, और ये अच्छी बात है। धीरे धीरे ये वैक्सीनेशन की संख्या पर्याप्त होती जाएगी, तो वैसे वैसे जो कुछ ज़्यादा भीड़ आती जा रही है वो भी कम होती जाएगी। खबर भारत वर्ष के लिए राजपुर बड़वानी से सुरेंद्र जमरे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।